आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव पर हुए मुकदमे के विरोध में राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व विधायक भाई दिनेश ने धरना पर बैठे और सरकार से मांग किया कि पप्पू यादव पर हुए मुकदमे को वापस लिया जाए। आज जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद युवा परिषद की तरफ से संपूर्ण बिहार में धरना प्रदर्शन हो रहा है। दो दिन पहले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव ने छपरा सांसद के घर पर दो दर्जन से अधिक एम्बुलेंस छुपा कर रखने का उजागर करने का काम किए थे। जब पूरे देश और राज्य में एम्बुलेंस के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं, समय पर अस्पताल नहीं जा रहे हैं, उस स्थिति में एक सांसद के घर पर दो दर्जन से अधिक एम्बुलेंस खड़ा हो, वो भी दो वर्ष ले, यह दुखद और निंदनीय है। और जब पप्पू यादव ने उस एम्बुलेंस छुपाने का उजागर करने का काम किया तो उन पर छपरा पुलिस ने केस करने का काम किया। उसके बाद हद तो तब हो गई कि जब कल छपरा सांसद के पीए ने माननीय सांसद को गाली गलौज देने का काम किया, धमकी देने का काम किया, जान मारने का काम किया, उसके विरोध में आज संपूर्ण बिहार में जन अधिकार पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सभी मांग करते हैं कि तत्काल जो व्यक्ति जो सांसद एम्बुलेंस छुपाने का काम किया है उस पर वैश्विक महामारी एक्ट के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज हो। एनजीओ का जो फर्जीवाड़ा है उनका सीबीआई जांच हो। जो चालक का जो प्रशिक्षण केंद्र जो खुला हुआ है उसका जांच हो, अभी तक कितना प्रशिक्षण हुआ, क्या हो रहा है, और जहां पर एनजीओ चल रहा है, जिस जमीन पर चल रहा है, जिस भूमि पर चल रहा है, अभी तक केंद्र जहां खुला हुआ है उस व्यक्ति का पैसा अभी तक नहीं मिला है, उसको पैसा सरकार दे। इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि जो आज पूरे प्रदेश में माननीय सांसद अस्पताल से लेकर शमशान तक घूम रहे हैं, सारे जगह कालाबाजारी का उजागर कर रहे हैं, गलत कार्य का उजागर कर रहे हैं, अस्पताल में जहां गलत कार्य हो रहा है उसका उजागर कर रहे हैं, अपने से दवा बांट रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आज जान का खतरा है। कल सांसद का पीए ने धमकी भी दिया है, इसलिए जेड श्रेणी का सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार दे, इसकी मैं मांग करता हूं। और इसके साथ ही सरकार से मैं अपील और आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, तत्काल आप जो व्यक्ति ने धमकी देने का काम किया उस पर तैयार करें, गिरफ्तार करें, और जो गलत तरीके से माननीय सांसद पर जो तैयार हुआ है उनको वापस करें, और तत्काल एम्बुलेंस को जन सेवा में लगाने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो चुप्पी है, अभी तक जो चुप्पी है, आपने इतने बड़ा खुलासा हुआ इसके बाद भी आप चुप हैं, यह दुखद है। आप तत्काल इस पर संज्ञान लें।